गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिंपल होम गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रात रानी के पौधे के ऊपर। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इन्हें नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी कहा जाता है। इन्हें रात की रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिन में इनके फूल बंद रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है इनके फूल पूरी तरह खिल जाते हैं और उभर कर आते हैं और इतना सुगंध देते हैं कि आपका घर सारा सुगंधित हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज करता हूं और इसकी केयर कैसे करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन भी प्रेस कर दे। दोस्तों, रात की रानी के प्लांट का फ्लावरिंग सीजन गर्मी खत्म होने के बाद जुलाई अगस्त में शुरू हो जाता है और ये विंटर सीजन तक फ्लावरिंग करता है, लेकिन जैसे ही नवंबर, दिसंबर या जनवरी का महीना आता है तो ये बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है, जहां पे ज्यादा कोहरे पड़ते हैं, कोहरे कोहरे से इसको नुकसान पहुंचता है और ये बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इसे जमीन में लगाए हैं, अगर आप इसे जमीन में लगाएंगे तो बिल्कुल, ये बूसी प्लांट है, ये एक लकड़ी वाला प्लांट है, ये पूरी तरह बढ़ जाता है और ये 10-12 फुट का चला जाता है। लेकिन अगर आप इसे पॉट में लगाए हैं और इसकी आप ठीक ठाक से केयर करेंगे, हमेशा इसकी प्रूनिंग करेंगे, तो ये इसका शेप बिल्कुल ठीक ठाक बना रहेगा। अन्यथा अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये एक तरफा बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि विंटर के महीने में, खास तौर पर जिन इलाकों में ज्यादा कोहरे गिरते हैं, यानी दिसंबर जनवरी के महीने में जहां ज्यादा ठंड पड़ती है, ठंड से इन्हें बहुत नुकसान पहुंचता है और ये बिल्कुल मर सा जाता है। लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आता है, जैसे ही बहार का मौसम आता है, इसकी ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। इस पे नए नए शूट्स और ब्रांचेज निकलने लगते हैं और इसकी ग्रोथ ठीक ठाक हो जाती है। दोस्तों, इसे आप जमीन में और पॉट में दोनों जगह लगा सकते हैं। अगर इसकी पॉटिंग मिक्स की बात की जाए तो पॉटिंग मिक्स में मैंने 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड एंड 20% कंपोस्ट का यूज करके इसे पॉट में ही लगाया है। कंपोस्ट की अगर बात की जाए तो आप वर्मी कंपोस्ट या डिकम्पोस्ट काउडंग का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लिया जाए इसकी वाटरिंग के ऊपर, तो फ्रेंड्स, इसे वाटरिंग ठीक ठाक चाहिए होती है, लेकिन जब इसकी ऊपरी सरफेस, जब ऊपर की मिट्टी जब सूख जाए, ड्राई हो जाए, तब भी इसमें वाटरिंग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इसे फुल सनलाइट ज्यादा पसंद है, लेकिन अब मई जून वाला फुल सनलाइट इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मई जून के महीने में अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये प्लांट ठीक ठाक से ग्रोथ नहीं करता है। इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। फ्रेंड्स, अगर इसे समय पर पानी नहीं दिया जाए तो इसके पत्ते बिल्कुल झुक जाते हैं, ये प्लांट बिल्कुल ड्राई दिखने लगता है, इसलिए इसे हमेशा पानी हमें देना चाहिए, हमेशा वाटरिंग करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्लांट अगर फ्लावरिंग पे होता है तो उस समय उसे एक अच्छी खाद की जरूरत पड़ती है, अच्छी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं करता, मैं महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट इसको देता हूँ और नीम खली भी महीने में एक बार देता हूँ। साथ ही साथ मैं महीने में 2 बार इसे एनपीके देता हूँ, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट को फास्फोरस और पोटेशियम की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं महीने में 2 बार इसमें एनपीके देता हूँ। 1 चम्मच, छोटे चम्मच एनपीके को 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके इसके पत्तों पर स्प्रे करता हूँ, जिससे इसकी ग्रोथ काफी अच्छी रहती है और ये खूब फ्लावरिंग करता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट पर अगर पेस्ट और इंसेक्ट्स की अगर बात की जाए तो मिली बग्स जो होते हैं इस पे ज्यादा लगते हैं, इस प्लांट्स को मिली बग ज्यादा परेशान करते हैं। व्हाइट कलर के जो कीड़े होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, इस प्लांट पे काफी अटैक होता है उनका। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल और 1/2 चम्मच से भी कम लिक्विड सोप को अच्छे से डिजोल्व करके वीकली, यानी सप्ताह, हर सप्ताह में इसके पत्तों पर स्प्रे जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि वीकली इस पर नीम ऑयल स्प्रे करने से मिलीबग को रिमूव किया जा सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिलीबग को रिमूव करने के लिए पानी की तेज धार
से भी इसे हटाया जा सकता है। एक स्प्रेयर की मदद से पानी की पतली तेज धार बनाइए और मिली बग को इससे रिमूव किया जा सकता है। हमें दोनों तरीके यूज करना चाहिए। जब भी आप देखें कि मेरे प्लांट पे मिली बग का अटैक हो गया है, लगा हुआ है, तो आप वीकली नीम ऑयल तो शुरू कर ही दीजिए, साथ ही साथ आप एक स्प्रेयर की मदद से भी इसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं प्लांट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।